प्रॉपरली, बहुत ध्यान से आ रही है। एक नेट वाला पॉकेट है। That's good playing। काजू कतरी, जलेबी, मोती चूर का लड्डू, ये वेरी नाइस। चलो, नीला नीला आसमान, माशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आलिया को लेकर निकल रही हूँ हाई स्ट्रीट केंसिंगटन के लिए, क्योंकि मुझे स्कूल का शूज लेना है आलिया के लिए। आज मुझे दो चार काम निपटाने हैं, तो सबसे पहला काम मेरा ये था कि मैं आलिया को लेके जाऊँ और उसको शूज दिलाऊँ। तो हमारी शॉपिंग हो गई है, बस अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो बस घर की तरफ निकल ही रही थी तो ये लेडी इस तरह से कुकी बना रही थी, हालांकि मैं कुकी नहीं ले रही थी, सिर्फ मिल्क शेक ले रही थी आलिया के लिए। प्रॉपर्ली, बहुत ध्यान से आलिया। अच्छा जी, तो फिर ये दूसरा ट्रिप है मेरा हॉस्पिटल के लिए, गाजी का अपॉइंटमेंट है। ये उसके नोज पे लगाने के लिए स्टिकर्स में लेके जा रही हूँ और यहाँ पर उसका ऑक्सीजन लगा रही हूँ। आलिया को शूज दिलाने के बाद मैं जल्दी से घर वापस आई, उसके बाद मैंने गाजी को जल्दी से रेडी किया, फिर मैं यहाँ निकल रही हूँ उसको लेकर के हॉस्पिटल। आज गाजी का अपॉइंटमेंट है। एक नेट वाला पॉकेट है और नेट में ये नाक ये मुंह वाला हिस्सा रख दिया मेरा, ठीक है, लटक माने में गिर गया, ठीक है। और इस पे गौर करना, हां ठीक, पूरा निकला हुआ है, ठीक है, ये चिपकाया हुआ है, नहीं तो पूरा एकदम आगे आ जाता है। ओके, लेट्स गो नाउ, लेट्स गो पापा, कुकू। ओके ओके ओके, गुच्छा नहीं गुच्छा नहीं गुच्छा नहीं, यू कैन मूव योर हैंड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे हो, खैरियत से हो। काजी का अपॉइंटमेंट है फिजियोथेरेपिस्ट से, बस आज थोड़े दो तीन चार काम है जिसे मुझे निपटाने हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग को सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे आज के। इनको देखें, इनको देखें, हेलो काजू, आप कैसे टिप्पणी कर लेता है। तो गाइज, अभी हम लोग निकल रहे हैं, आज सिर्फ हम और गाजी हैं, आज गाजी के अब हम लोग के साथ नहीं है, मतलब इसका कंटिन्यूस फीड चल रहा है, कि डमी भूल गई थी, तो अभी उनके अब्बा आके देखे गए हैं। हमारी बस आने वाली है 4 मिनट के अंदर। बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स आने वाले हैं, यानी कल भी मुझे जाना है, आज फिजियोथेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट है, तो कल है स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट है, और मतलब बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स अभी लाइन से आ रहे हैं। तो मतलब आपकी बहन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली है, पर आप लोग के लिए हमेशा टाइम रहेगा। बहुत से लोगों ने ये कंसर्न जाहिर की है मेरे लिए कि आप क्यों बस पे ठोकर खाती रहती हैं, स्ट्रगल करती रहती हैं। मैं उसके बारे में आगे आप लोग से डिस्कस करती हूँ। मेरी बस आ जाए पहले, मैं उस पर बैठ जाऊँ इत्मीनान से, गाजी का फिजियोथेरेपी अपॉइंटमेंट अटेंड कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से डिटेल में बात करती हूँ, ठीक है। आज गाजी के साथ बोलेगी मामा कि जल्दी से जाइए मेरी मामा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। आप लोग, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, गाजी बोल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग आपसे डिटेल में बात करते हैं जब हम अपना अपॉइंटमेंट अटेंड कर लेते हैं, ओके। तो तब तक आप लोग एंड तक जुड़े रहिएगा। अच्छा, किसी ने पूछा कि आप अपनी मदर इन लॉ और अपनी बेटी, बड़ी वाली बेटी का फेस क्यों नहीं दिखाती? तो भाई उनकी मर्जी है, वो आना चाहेंगी फेस के साथ, नहीं आना चाहेंगी, कम्प्लीटली उनके ऊपर है। मैं भी इधर आ गई हूँ, बस मैं भी अंदर जा रही हूँ, अपॉइंटमेंट अटेंड कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। Thank you.
तो बस हम लोग आ गए हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना, यहाँ पर और भी माएँ आई हैं डाउन सिंड्रोम के, और भी बच्चे आए हैं साथ में, और सब मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी गाजी के साथ। मैं आ गई हूँ यहाँ वॉशरूम में उसकी नैपी चेंज करने, क्योंकि रास्ते में जब मैं आ रही तो यू नो उसकी नैपी डर्टी हो गई है, तो मैं यहाँ पर इसको लिटा के इसकी नैपी चेंज करने वाली हूँ। तो मैं अभी आप लोग से बाद में मिलती हूँ। मैं भी अंदर जाके मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, बट मैंने आपको बता दिया कि क्या हो रहा है यहाँ पर। आई ट्राई टू शूट चुपके चुपके से। ओके, किस बात की लड़ाई? मामा यहीं पे चेंज द नैपी। हमारा अपॉइंटमेंट हो गया आज, अच्छा लगा मिस्टर। वी गोइंग होम नाउ, डोंट वरी, लेट्स गो बाबा। काजी 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 काजी। अपॉइंटमेंट आज हमने अटेंड किया है गाजी के साथ, मतलब वो बहुत ही अच्छा था। काफ़ी मैं मुझे ये जो सेशन मैंने अटेंड किया है इससे मुझे मोटिवेशन मिला है, क्योंकि मैंने और भी माओं को देखा है, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों की माओं को देखा है, और मैंने उनकी सारी डिटेल जानने की कोशिश की है कि उनके बच्चों ने क्या क्या किया, कौन कौन सा माइलस्टोन था जो जिसमें एज अ मदर उनको स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने सब कुछ जाना, और उस चीज़ को जानने के बाद और फिर वहाँ पर जो जो चीज़ें हो रही थी ना बच्चों को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी उनको अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ करवा रहे थे, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे एक कहते हैं ना एक्स्ट्रा पावर मुझे जैसे लगता हूँ मिल गया हो गाजी के साथ और ज़्यादा वर्क करने का, कि मैं घर पे उसके साथ किस तरह से और एक्स्ट्रा कर सकती हूँ जिससे उसका मसल स्ट्रॉन्ग हो। अभी मतलब स्लो जा रहा है, बट इंशाल्लाह इवेंचुअली विल गो देयर। गाइस बहुत प्यास लग रही है, तो मैंने सोचा इधर से सिंग्स भी दिखा मुझे, तो मैंने कहा चलो पानी ले लेते हैं, एक बोतल पानी ले लेती हूँ। ये ले लेती हूँ, मेरा फेवरेट पानी कैंसू। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग घर आ गए हैं और ये रात का वक्त है। गाजी अपना चिल कर रहे हैं, अपने टिगर के साथ खेल रहे हैं। और एक और बहन ने मुझसे सवाल किया था कि वो मशकीज़ा कहाँ से लिया था मैंने, तो मेरी प्यारी बहन ये मशकीज़ा मैंने नहीं लिया था, मेरी सिस्टर इन लॉ लेके आई थी, जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं है कि उन्होंने कहाँ से लिया था। तो ये आता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जहाँ पर मैं उठी हूँ गाजी का मिल्क बनाने के लिए, उसके बाद मैं लग गई बर्तन शर्तन धोने में, फिर बच्चों का पैक लंच और उनका ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक पे, यानी हमारे जो व्यूवर्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि मैं कार क्यों नहीं लेती हूँ, मैं बस पे क्यों धक्के खाती हूँ। सी, मैं लंदन में रहती हूँ और यहाँ का ट्रांसपोर्ट इतना क्विक है कि आपका जो कार है ना वो भी फेल है उसके आगे। हमें कहीं भी जाना होता है हम बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं बिना किसी टेंशन के। इवन जो लंदन से बाहर रहते हैं ना, अगर वो लंदन आते हैं ना, तो वो अपनी कार को अलग जगह पार्क करके आते हैं और बस या ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये है सेंट्रल लंदन। तो यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है सबसे बढ़िया है, जिस पर ट्रैवल करने पे कोई टेंशन नहीं होती है। कदम कदम पे तो आपको बस स्टॉप्स मिल जाते हैं, जहाँ भी आपको जाना हो तो आसानी से पहुँचा देते हैं। तो आप सबके कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारा टाइम हो गया, बच्चों को स्कूल भेज दिया है और यहाँ पर मैं दूसरे अपॉइंटमेंट के लिए गाजी को रेडी करने जा रही हूँ। हेलो, गेट रेडी तुम्हारा दूसरे अपॉइंटमेंट के लिए मंकी। ठीक है बारिश हो रही है, तेज नहीं हो रही मगर हल्की हल्की हो रही है।
अच्छा जी, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चले गई हूँ, एक हफ़्ता हो गया है मैंने व्लॉग अभी तक नहीं पोस्ट किया, तो इस चीज़ के लिए मैं माजरत चाहती हूँ। दरअसल गाजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैंने इस वजह से व्लॉग नहीं पोस्ट किया। अच्छा ये देखिए, मैं बस पे अपने फ़ोन को चार्ज कर रही हूँ। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट हम लोगों ने अटेंड कर लिया है। ये अपॉइंटमेंट गाजी का सारा चेकअप करने का था, लाइक उसका वोकल और उसका फोकस रहता है यानी अलर्ट है यानी चीज़ों को लेकर, सिर्फ ये सब चीज़ें चेक कर रही थी। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही अलर्ट है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से फोकस करता है, अगर कोई बात करता है तो रुक कर थम कर उसको देखता है। बस अल्लाह से दुआ है कि मेरा बच्चा बस जल्दी से दौड़ने भागने लगे। तो घर आने के बाद गरम गरम चाय पी। शाम के बज रहे हैं 8 और मैं जा रही हूँ टेस्को, थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी है क्योंकि सारे बच्चों का सबका स्कूल इकट्ठा खुल चुका है, तो सबके लिए यू नो स्कूल में देने के लिए चीज़ें वगैरह ला के रख लूँ, तो नहीं तो फिर मुझे रोज़ाना सोचना पड़ जाएगा। तो मैं अभी जा रही हूँ टेस्को, आप लोग भी चलिए। यहाँ पर इस तरह से ये रसमलाई मिलती है, देख रहे हैं, ये गुलाब जामुन और ये मैंगो लस्सी, ये देखिए सारे टेस्को में चीज़ें मिलती हैं। और अभी एक नया आइटम आया, रोज़ फालूदा, दिखने में तो हसीन लग रहा है। ओहो हो, अंगूरी रसमलाई, नो एडेड शुगर, हम जैसे लोगों के लिए है। ट्राई करें क्या सारा अंगूरी रसमलाई, लेट्स ट्राई दिस। ये देखिए शक्कर पारा, इसको स्वीट पारा भी कहते हैं, शक्कर पारा। शॉपिंग हो गई गाइस, अब हम जा रहे हैं पे करने। ये कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो दिवाली का ये लैंटर्न, इट्स नाइस। ये देखो, ये देखें, ये दिया रखने का, सो क्यूट, बोल सेट भी रख दिए। एंड दिस इज दिवाली गोल्ड दिया ट्रे, ये देखें दिवाली का, वाह। एंड ये है दिवाली का कलरफुल ऑयल बर्नर डिशेस, बेसन का लड्डू, अमेजिंग यार। पेपर फैन डेकोरेशन दिवाली से रिलेटेड, रंगोली सेंसिल किट, अच्छा अमेजिंग यार। इसको देख के मुँह में पानी बस आ गया आपकी बहन के, क्या करूँ, कोई नहीं फिर कर। ये देखिए, ये भी जलेबी भी है यहाँ पर, हैंडमेड ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स, काजू कतरी, जलेबी, मोती चूर का लड्डू, ये देखिए मोती चूर का लड्डू, अमेजिंग। चलो तो हमारी शॉपिंग हो गई है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। सुबह से अभी ये वक्त हो गया, अभी तक बारिश हो रही है, आप लोग ये देखिए अभी तक बारिश हो रही है। एनीवेज गाइस, अब हम आपसे अलविदा लेंगे, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया है। इंशाल्लाह आप लोगों से अनदर व्लॉग में मिलेंगे, और आप लोग अपनी बहन की दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह, और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं ज़रूर बनाऊँगी। जैसे मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बोला है कि मुझे आइडियाज़ आप लोग दीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो मैं वही चीज़ आज भी कहूँगी कि आप लोग अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, मिलते हैं बहुत जल्द, अल्लाह हाफिज़।